पंछी बनो उड़ता चलो मत। नहीं उठ रही है, तुम जा रहे हो। अच्छा लग रहा है, सांस लेने में थोड़ा और अच्छा लग रहा है। कोरोना नहीं होगा। आज की गुड मॉर्निंग भी रोज की तरह हो ही गई है, और इतना गोरा चिट्टा लड़का आप लोग देख रहे हैं, नहा धो के रेडी हो गया और यहाँ पर चल रहा है। क्या बना रहे हो? लाल भाजी। तो आज मतलब लाल भाजी खाना है हमको, कंफर्म हो गया। और यहाँ का सामने से देखते हैं आज दिन भर क्या होता है। Many hours later. और अभी हम निकल रहे हैं फिर से दूध लेने के लिए। दूध जो खत्म हो गया, दूध लेके आते हैं। चलिए आप लोग भी हमारे साथ ही चलिए। और ये पालना बहुत दिक्कत कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ अपना जीरो कट करा। तो क्या बोलते हो आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरे जीरो करा दिया जाए तो करा देंगे। चलिए अभी फिलहाल चलते हैं। और ये तालाब और यहाँ की हरी हरी वादियाँ, पहले दूध लेके आ जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को ये नज़ारे भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से, देख रहे हैं ग्रीनरी। हम सोच रहे हैं यहाँ पर वाइफ को लेके आते हैं और यहाँ घर के पास का ही नज़ारा दिखा देते हैं। और सामने के जो बादल की आकृति देख रहे हैं, मतलब कतई जहर वाली फीलिंग आ रही है। हमारे बाजू में है टाटी लिंगे। यहाँ पहुँच चुके हैं हम, बहुत लोगों को पता चल गया होगा ये बोर्ड है, ये हमारे दंतेवाड़ा का बाईपास रोड। चलिए अभी चलते हैं दंतेवाड़ा, दूध ले लेते हैं। यहाँ पर ऐसे तो घूम नहीं पा रहे थे, लेकिन क्या करूँ, सामान लेना है तो लेने के लिए निकलना तो पड़ेगा। जा रहा हूँ अभी सामान ले लेता हूँ, उसके बाद आगे क्या सीन है वो बताते हैं आपको। चलिए मतलब ना बहुत दिनों के बाद ना मैं निकला हूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा है। और दंतेवाड़ा जो है एकदम सुनसान सा है, देखिए भीड़ जितनी रहती है उतनी तो है नहीं। ओहो भाई साहब, आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद ये जो बोर्ड के दर्शन हो गए हमें। कितने दिनों से हम दंतेवाड़ा खुद नहीं आए थे, आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद। देखो सामने से बंद है, सामने से कोई जा ही नहीं सकता। दंतेवाड़ा देख रहे हैं कितना सुनसान है। यह दंतेवाड़ा का बैंक कॉलोनी वाला एरिया, धीरे धीरे दंतेवाड़ा ऐसे ही दिखाएंगे हम। और इधर जाएंगे तो अपना दंतेवाड़ा। तो चलिए दंतेवाड़ा चलते हैं, हमको दूध लेना है, दूध ले लेते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। देख रहे हैं पूरा बस स्टैंड सुनसान है, और यहाँ पर लगा हुआ है बैरियर। चलिए चलते हैं घर। दूध के लिए जो था दुकान तो खुला नहीं मिला, तो अगर वहीं घर के आसपास कहीं मिल जाता है तो वहाँ से ले लेते हैं। बाकी तो दंतेवाड़ा के जो नज़ारे थे वो हमने आप लोगों को दिखा दिए, कुछ ऐसे थे। और ये है तालाब। दूध तो फाइनली मिल गया, और आते वक्त ना मुझे ना बता नहीं सकता मैं। चलिए घर चलते हैं, फिर वो जो तालाब वाला नज़ारा है वो भी दिखाना है आप लोगों को। दूध आ चुका है। दूध लेके आज काफी ज्यादा, मतलब आज फर्स्ट टाइम मैं दंतेवाड़ा गया था और रास्ते में आते आते मुझे रोक दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपसे जाऊंगी।
हम गए ही नहीं अभी, चलिए अब नज़ारा दिखाना था आप लोगों को, नज़ारा दिखाते हैं, बाकी तो सब बढ़िया है। तो हमारे साथ वापस फिर से जरा सा भी मन नहीं था निकलने का। ओह माय गॉड, लेकिन कोई दिक्कत अच्छा नहीं था, घर में थी लेके जा रहे हैं। इनको क्या दूध बंधाना था, तो दूध बंधाने गांव में कोई देता है? मुझे तो पता ही नहीं, इनको ज़्यादा नॉलेज है ना? मैं तो गांव की हूँ। हाँ, गांव की छोरी लागे से है। गिरगिट तुम हो, तुम यू वो देखो तुम क्या हो। चलिए चलते हैं दूध वाले भैया के पास की। हम यहाँ दादा लोग के घर के पास पहुँच चुके हैं और घर के पास का कुछ ऐसा सा नज़ारा वाले का मजा ही अलग है ना। हाँ, और ये देखिए देसी मुर्गी के देसी देसी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। हमारा जो काम था वो हो गया असफल, दोनों जगह दूध नहीं मिला। तो अभी चलते हैं तालाब वाले नज़ारे के पास, दिखाते हैं नज़ारा। नहीं दोनों जगह नहीं, में जो आवाज आ रही है ना ये मेरा हेलीकॉप्टर है, लैंड होने से पहले ही ना उड़ गया। मान लो अगर अपने पास हेलीकॉप्टर होता तो कैसा रहता? बस थोड़ा सा एक मतलब तुम्हारे पैदल घूम रहे हैं ना, नहीं तुम्हारे पैर जमीन में नहीं टिकते है ना। हाँ, पंछी बनू उड़ तो चलो मत, मैं नहीं उड़ रही लेकिन तुम जरूर उड़ रहे। चलिए आ चुके हैं हम उस नज़ारे को दिखाने के लिए। ये जो तालाब है पूरा लबालब होके भर चुका है बरसात की वजह से, और इसके सामने का ये प्यारा सा सनसेट जब होगा तो इसका टाइम लैप्स बनाएंगे, बट अभी जो खेतों में हरियाली है वो दिखाते हैं आप लोगों को। मतलब घर में भी रह के ना कंटेंट की कमी महसूस होती है, बट बाहर निकलने के बाद ना कंटेंट की महसूस नहीं होती है। हाँ, और जो आप खेत में ये पानी भरा हुआ देख रहे हैं ना, ये तालाब का ही पानी है। हम लोग उतना दूर गए थे, हम लोग के घर के पास ही इतना अच्छा अच्छा ना, देखो इतना मस्त है। थक गए, हमने एक चीज़ देखी ना, घर के पास वाली चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है, और हमारे घर के पास में ही इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और हम जो है ना घूमने के बहाने चले जाते हैं कहीं पर भी, और आज हम लोग आए क्योंकि ये जो नज़ारा था ना हम देख के चले गए थे और इन्हें जो दिखाना था। कैसा लग रहा है इधर? अच्छा लग रहा है, सांस लेने में थोड़ा और अच्छा लग रहा है। कोरोना नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और इधर बीच में पगडंडी जैसी सड़क। अभी तुमको ऐसा दिख जाए तो, ये दिख जाए तो कुछ नहीं, तुम तो पकड़ लेते हो। हाँ, तुम्हारे ऊपर से फेंक दूंगा मैं, भाग जाऊंगा। क्या कर क्या रहे? क्या है देखना, धान है किसी को धान निकल ही नहीं रहा, उसको गीला मिट्टी चाहिए रहता है, इसलिए तो वहाँ पे रोपाई के टाइम निकालते हैं। घर से हम लोग आ गए हैं करीबन 3 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर दूध मिलता है कि नहीं। ये तीसरा घर है, अगर नहीं मिला ना तो दूध बंद डब्बा लेके आना। हाँ, और यहाँ पर गाय है तो यहाँ पे पूछ के देखते हैं कि दूध मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, डेली दूध लेने जाने से अच्छा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है रूल, और 2 बजे के बाद से सारी चीज़ें क्लोज हो गई है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं यहाँ पूछ लेते हैं दूध है कि नहीं। गांव के अंदर एक गाय गोठान बोलते हैं, वो कुछ इस तरह का नहीं है ना। यहाँ पर भी हमने खाया धोखा और हमें नहीं मिला दूध, क्या कर सकते हैं। चलिए घर चलते हैं वापस। अभी फ़िलहाल तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, और ऊपर आने के बाद मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप लोग, ये प्यारा सा जो टाइम लैप्स है वो तैयार हो रहा है। टाइम लैप्स जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वैसे लोगों को दिखाते हैं, और जब तक हमारी कॉफ़ी है जो रेडी होकर आ रही है नीचे से, वाइफ लेके आ रही है, जब तक लेके आती हैं तब तक यहाँ के जो नज़ारे हैं वो आप लोग देखिए, बाकी तो सब बढ़िया है। तो आप मेरे सामने पहाड़ देख रहे हैं, इसमें है बैलाडीला के पहाड़, और हैं आपके इस साइड में ढोलकल का पहाड़। ढोलकल के पहाड़ की खासियत है कि वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, जिन्होंने नहीं देखी होगी तो ऊपर आई बटन में आ रही है, जाके देख। आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, और आप लोगों से मैं कुछ सवाल करता हूँ आप लोग जवाब नहीं देते हैं, तो प्लीज़ अगर यहाँ तक भी जिसने वीडियो देखी है तो प्लीज़, मैंने उस पुरानी वाली वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों के मन में कोई सवाल है कोई डाउट है तो प्लीज़ जाइएगा 30 सेकंड की वीडियो बनाइएगा और सेंड करिएगा, किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जो है वो आ चुकी है और हाँ छत पर आइए, मस्त लग रहा है यहाँ से है ना, देखते कॉफ़ी का मज़ा लेंगे। हाँ, और देखो ना मस्त दिख रहा है, देखो कॉफ़ी के साथ सनसेट का मज़ा ही कुछ और है।
मतलब सीन बन गया, आज का दिन बन गया देख के। फिलहाल आज की वीडियो जो थी वो इतनी थी, और ऊपर से आके आज यहाँ का जो व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को भी दिख रहा होगा, कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट में। और आई होप आप लोगों की यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्यारे से लाइक, प्यारे से कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं कल वाली किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।